फ्राई फिश बनाने के लिए हमें चाहिए फिश। ये मैंने हाफ के जी फिश लिया है, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे 1 चम्मच, हल्दी लेंगे हम 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, नमक 1 चम्मच या स्वाद अनुसार, और धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर भुना हुआ जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, ऑयल, लेमन, और ये थोड़ा सा मैंने फूड कलर लिया है, अगर आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो फिर अगर नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। तो इन सब को हम इसमें डाल के इसको मिक्स करके थोड़ी देर 1/2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने मैरिनेट करके रख दिया है। अब इसको ऐसे ही 1/2 घंटे के लिए इसको ऐसे रख देंगे, उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। 1/2 घंटे हो चुके हैं और हमारा फिश अच्छे से मैरिनेट हो चुका है और ये तेल भी गर्म हो चुका है, तो इसको बिल्कुल आराम से रखें, आपका हाथ नहीं जलना चाहिए, बिल्कुल स्लोली। इसको बिल्कुल नहीं चलाना है, अभी थोड़ी देर बिल्कुल नहीं चलाना है, इसको ऐसे ही रहने दें। जब ये तेल का बबल्स थोड़े कम हो जाएंगे तब हम इसको पलटेंगे। हल्का सा कलर देते हैं, बिल्कुल आराम से करिएगा फ्रेंड्स। और फ्लेम को मीडियम रखिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फिश अब रेडी है, ये देखिए। बनाना भी बहुत आसान है और बहुत टेस्टी लगता है, इसके बहुत सारे बेनिफिट भी हैं हमारे बॉडी के लिए। इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। बनके रेडी हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।